नमस्कार, वेब दुनिया समाचारों में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज के ताजा समाचारों पर। काबुल में गेस्ट हाउस पर आतंकी हमला, 5 की मौत। काबुल में विदेशियों के बीच लोकप्रिय एक गेस्ट हाउस में बुधवार को एक सांस्कृतिक कार्यक्रम से पहले बंदूकधारियों ने हमला किया। हादसे में 5 की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। गोलीबारी के समय खुद को एक कमरे में बंद कर लेने वाले पार्क पैलेस के एक कर्मचारी ने बताया कि जब गोलीबारी शुरू हुई तब ऊपरी मंजिल पर अफगान संगीत का कार्यक्रम चल रहा था। यह कर्मचारी बाद में किसी तरह भागकर बाहर निकला और उसने बताया कि उसने गेट पर खून से सने कम से कम 5 शव देखे। मृतकों में 2 भारतीय भी शामिल है। आईएस को बड़ा झटका, अमेरिका ने अल अफी को मार गिराया। इराक सरकार ने दावा किया है कि इस्लामिक स्टेट का दूसरा बड़ा नेता अबू अल अफरी अमेरिकी गठबंधन के हवाई हमले में मारा गया। अफरी को अब्द अल रहमान मुस्तफा मोहम्मद के नाम से भी जाना जाता था। अमेरिकी गठबंधन सेना ने हवाई हमले में तल अफर की जिस मस्जिद को निशाना बनाया था उसमें अल अफरी कुछ और आतंकवादियों के साथ बैठक कर रहा था। इराक की सरकारी टेलीविजन ने इस हमले का वीडियो भी दिखाया है। अल अफरी की मौत से इस्लामिक स्टेट को तगड़ा झटका लगेगा। अफरी पर अमेरिका ने $70 लाख का इनाम रखा था। क्रिकेट सट्टेबाजी काले धन का सबसे बड़ा स्रोत। कालाधन मामले की जांच के लिए गठित विशेष जांच दल ने अपनी अंतरिम रिपोर्ट में खुलासा किया है कि क्रिकेट सट्टेबाजी देश में काला धन पैदा करने का सबसे बड़ा स्रोत है और इस पर जल्द ही लगाम कसनी चाहिए। इस रिपोर्ट के मुताबिक अभी तक सट्टेबाजी के लिए लगभग 3 लाख करोड़ रुपए का लेन देन किया जा चुका है। एसआईटी ने न्यायालय में दायर रिपोर्ट में बताया है कि प्रवर्तन निदेशालय ने हवाला और मनी लॉन्ड्रिंग के लगभग 1918 मामलों में जांच पूरी कर ली है। रिपोर्ट के मुताबिक एसआईटी के निर्देश पर प्रवर्तन निदेशालय ने लगभग 360 करोड़ रुपए मूल्य की संपत्ति जब्त की है।